अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ाफ़रानी चिकन कोरमे के लिए हमने लिया है 1 कप तेल, और इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज को कट करके हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अच्छे से प्याज को फ्राई करना है। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम एक साइड में निकाल लेंगे और यही ऑयल में हम 1 चम्मच घी मिलाएंगे। और इसमें हमने थोड़े तेज पत्ते डाले हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा और 3 लौंग। अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे और इसमें हमारा जो चिकन हमने पहले से अच्छे से धोकर रखा था वो चिकन को तेल और घी में भून लेंगे अच्छे से। और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी स्मेल, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच, हरे मसाले का पेस्ट 3 चम्मच। ये 1/2 kg चिकन है, 1/2 किलो चिकन है, इसे हम 5 मिनट तक इसी तरीके से अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम हमारे दूसरे मसाले इसमें मिलाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से हो चुकी है ये। अभी इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच घर का गरम मसाला और 1/2 कप इसमें हम फ्रेश दही मिलाएंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे हमारे जादुई ज़ाफ़रान, मैजिकल ज़ाफ़रान केसर, ओरिजिनल। आप ट्राई कीजिए कि ओरिजिनल ही हो ये, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। ज़ाफ़रान का फ्लेवर तो इतना ज़बरदस्त आता है, सच में बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है, इसमें हसबे ज़ायका नमक मिला दीजिए और दही के पानी में इसे अच्छे से हम भून लेंगे और पूरा पानी सुखाए तक हम इसे भूनेंगे। अब ये जो हमारी प्याज फ्राई करके रखे थे ना, वो प्याज और 1 चम्मच ज़ीरा और 4 हरी इलायची और 2 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए, अच्छा कलर आएगा। और ये 1 चम्मच खसखस और 4 मगज़, इसे पानी में मैंने पहले से भिगा के रखा था ताकि अच्छे से पीस सके हम इसे। और बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं हम इसका। 1/2 कप दही डाल दीजिए इसमें, वाह वाह। 2 चम्मच धनिया, क्रश धनिया, जो भी धनिया हो, और इसे पेस्ट बना लेंगे हम इस तरीके से। वाह क्या खुशबू है, बेहतरीन। तो अभी चिकन का पानी भी सूख चुका है पूरा, दही का जो पानी था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी सारा जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो सारा पेस्ट हम इसमें मिला देंगे और इसे हम और 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। चिकन तो हमारी मोस्टली हो चुकी है, गल चुकी है, अब सिर्फ ये मसाले का फ्लेवर आ जाए इसमें और मसाले का जो हमारा कच्चापन है वो चला जाए। बहुत ही ज़बरदस्त, वाह वाह। 10 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पे रख देंगे, वाह वाह वाह। 10 मिनट के बाद आप देखिए क्या कलर आया है, ज़बरदस्त है ना। बहुत ही इतना बेहतरीन और रॉयल टेस्ट है इसका। अब यकीन मानिए लॉकडाउन में आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, मज़े हो जाएंगे, बोलेंगे होटल होटलबाजी खुदा राजी, वाह वाह क्या बात है। बहुत ही अच्छा, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताती हूँ। ये थोड़ा सा धनिए से आप गार्निश कर दीजिए, सजाइए, सवारिए, खुश रहिए और खुश रखिए। बेहतरीन ये इलाज है कोरोना से बचने का कि आप खुश रहिए, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए हम इसमें अभी सर्विंग प्लेट में ले लिए हैं, प्याले में हमने इसे निकाल लिया है, लग रहा है ना बेहतरीन ज़बरदस्त। इसे आप राइस के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, पाव सेक के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए और ऐश कीजिए। चलिए दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। इसी तरह और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाने से आपको हमारे वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे।